हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपके इस चैनल में स्वागत है। देखिए, जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो होगा चेंज ऑफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। कि किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस है वो कैसे चेंज होता है, हम उसके बारे में देखेंगे मैथ्स मॉडलिंग की हेल्प से। देखो, पीटी जो है, मैं मान रही हूँ प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एट टाइम टी, पीटी होगा। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस होगा ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस, आप देख रहे हो टाइम का फंक्शन है, डेफिनेटली टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हुआ। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस दैट इज डीपी बाय डीटी, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, डीपी बाई डी टी प्रोपोर्शनल हुआ किसके, डिमांड माइनस सप्लाई के। दैट इज डीपी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस किस किस के बीच में, डिमांड एंड सप्लाई के बीच में जो डिफरेंस है उसके ये प्रोपोर्शनल होगा। ओके, अब प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, कॉन्स्टेंट लाना होगा। इसमें जो हम कांस्टेंट लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, वेयर के इज ग्रेटर देन जीरो। अगर आपने रियल एनालिसिस पढ़ी है तो उसमें आपने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा होगा। ओके, अगर ये चीज जो है वो पॉजिटिव आए, दैट इज इफ डिमांड इज मोर देन सप्लाई, अगर किसी भी कॉमोडिटी के लिए डिमांड ज्यादा है किससे, सप्लाई से, ये चीज पॉजिटिव, ये ऑलरेडी पॉजिटिव था, तो बाय दैट डेरिवेटिव टेस्ट जो आपने रियल एनालिसिस में पढ़ा है, आपका जो प्राइस होगा ना पीटी वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जैसे डिमांड ज्यादा हुई सप्लाई से प्राइस बढ़ेगा। डेरिवेटिव टेस्ट यही होता है, उसमें हम क्या करते हैं, जिस उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, अगर वो डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव बन जाता है, जैसे इसका मैंने डेरिवेटिव लिया, कोई प्राइस था मेरे पास उसका डेरिवेटिव लिया, ये चीज पॉजिटिव आई मेरे पास, दैट मींस ये क्या है, डेरिवेटिव पॉजिटिव है, बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। एंड अगर ये नेगेटिव है तो बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फंक्शन आपका डिक्रीज करेगा। यहाँ पे ये पॉजिटिव है, दैट मीन्स आपका फंक्शन इंक्रीज करेगा। फंक्शन था क्या, प्राइस था कॉमोडिटी का, इसका मतलब क्या है, प्राइस इंक्रीज करेगा। हो गया ये कंक्लूजन। अब अगर डिमांड और सप्लाई जो है लीनियर फंक्शन हो किसके, प्राइस के, दैट इज लीनियर फंक्शन का मतलब आप क्या समझते हो, जैसे वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक लीनियर फंक्शन है ना, फंक्शन ऑफ, इसको वाई ना लिख के मैं अगर ऐसे लिख दूं, ये क्या है, एक्स में लीनियर फंक्शन है, कॉन्स्टेंट लिया उससे मल्टीप्लाई करा प्लस हमने एक कॉन्स्टेंट ऐड करा, लीनियर फंक्शन है एक्स में, ए एक्स ले लो, कुछ भी ले लो, एम एक्स भी मत लो, ए एक्स ले लो। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर डिमांड और सप्लाई लीनियर फंक्शन है किसके, डिमांड के और सप्लाई के, पी टी एंड सप्लाई, सप्लाई में लीनियर फंक्शन है, ये है कॉन्स्टेंट, फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है। हो गया इतना आपके पास। अब देखो यहाँ पे मैं कंडीशन लगा रही हूँ, वेयर डी टू है लेस देन जीरो, कि डिमांड डी टू लेस देन जीरो, ये जो कॉन्स्टेंट है वो नेगेटिव ले रही हूँ, एंड यहाँ पे ये जो कॉन्स्टेंट है एस टू है वो पॉजिटिव ले रही हूँ। जब आप इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हुए प्रोसीड करोगे, वहां पे इन दो टर्म्स का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए मैंने इनको मेंशन करा। अभी देखो ये जो वैल्यूज हैं यहाँ पुट करते हैं, देयर फोर डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू के ऑफ डी वन प्लस डी टू पी टी एस टू पी टी डन इज इक्वल टू के, कॉन्स्टेंट्स को एक साथ कर देते हैं, इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसको कुछ नाम दे देते हैं, मैंने दिया कि ऑफ अल्फा, इस पूरे को अल्फा दिया, माइनस बीटा पी ऑफ टी,
ध्यान से सुनना, देखो यहाँ पॉजिटिव चल रहा था, वेयर बीटा खुद पॉजिटिव है। इस लाइन का मतलब एक बार समझते हैं फिर प्रोसीड करें। देखो इसमें तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, है ना, ये पॉजिटिव था क्योंकि यहाँ पे देखो डिमांड माइनस ये पॉजिटिव थी सारी चीजें। देखो फर्स्ट वाले टर्म से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम ये है देखो यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव कैसे बना? अभी मैंने आपको बताया, देखो आपके पास जो टर्म्स हैं वो क्या हैं, आपके पास जो टर्म है ये बीटा क्या है, d2 माइनस s2, ये है नेगेटिव ऑफ बीटा। क्यों बना, देखो ये d2 माइनस s2 नेगेटिव ऑफ बीटा क्यों बनना पड़ा इसको? देखो d2 आपने लिया है नेगेटिव से, d2 है -10, s2 है कोई कांस्टेंट है ये लेकिन पॉजिटिव है, से s2 मैंने लिया 5, हो गया। हमेशा यही होने वाला है, d2 हमेशा नेगेटिव है, s2 हमेशा पॉजिटिव है। रखो यहाँ वैल्यू -10 -5 -15 ना, कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमेशा ये वाली चीज नेगेटिव ही आने वाली है। तो बीटा क्या है मेरा, d2 माइनस s2, लेकिन ये चीज हमेशा नेगेटिव आएगी, उस वजह से नेगेटिव, उस वजह से यहाँ पे नेगेटिव। ओके हो गया, dp बाय dt। अभी देखो यहां से हम क्या करेंगे, इस बीटा को आपको करना क्या है, सभी में इंटीग्रेशन ही करनी है। अब देखो अभी क्यों कर रही हूं मैं आगे वाला काम, वो मैं पहले आपको बता देती हूँ फिर प्रोसीड करते हैं। जब इसको मैं इंटीग्रेट करूंगी, ये है p का फंक्शन, अल्फा और बीटा तो कांस्टेंट है, जाएगा इसके डिनोमिनेटर में, जैसे ये चीज डिनोमिनेटर में चलेगी जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी तो मुझे बीटा की वजह से बीटा को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड कॉन्स्टेंट एक्स्ट्रा आ जाएगा मेरे पास कहीं ना कहीं। तो मैं उसको क्या करूंगी, उससे बचने के लिए मैं पहले ही इस चीज को बाहर निकाल दूंगी और उसको कुछ पुट कर दूंगी ताकि कैलकुलेशन में मेरे को ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। देखो कैसे करेंगे, डीपी बाय इसको फ्री करने के चक्कर को ध्यान में रखते हुए मैंने बीटा को बाहर निकाल दिया, तो dp बाय dt कैपिटल के PE माइनस POT, ये कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम प्राइस ले लिया मैंने, PE क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस है k बीटा, यानी कैपिटल के क्या है k बीटा एंड PE क्या है आपका अल्फा बाय बीटा, और PE को आप क्या कहोगे, इक्विलिब्रियम प्राइस। अब करते हैं अपना वही पुराने वाला काम इंटीग्रेशन करने का, इंटीग्रेटिंग डीपी बाय पी माइनस पीटी, इक्विलिब्रियम प्राइस तो फिक्स है कांस्टेंट है, के डी टी प्लस लॉग ऑफ सी, करो इसको इंटीग्रेट। देखो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है लेकिन देखो आप जब इसको सॉल्व करोगे ना नेगेटिव की दिक्कत आएगी, तो मैं क्या कर रही हूं, पहले ही मैं नीचे इसमें से नेगेटिव कॉमन निकाल दे रही हूं क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव जीरो, इसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव आएगा एक, तो मैंने पहले ही ऐसी प्रॉब्लम ना हो उस वजह से नेगेटिव नीचे से कॉमन निकाल दिया, उसको राइट साइड में मैंने शिफ्ट कर दिया, ये तो कॉन्स्टेंट है कोई फर्क नहीं पड़ना, यहाँ सी वन दे लो, यहाँ नेगेटिव की वजह से क्या आ जाएगा, लॉग सी बन जाएगा, नेगेटिव को मैंने एडजस्ट कर दिया, 1/c1 हो जाएगा और उससे क्या हो जाएगा, मैंने उसको c पुट कर दिया। करो अब इंटीग्रेट, log pt pe इज इक्वल्स टू -kt प्लस log c, इतनी बार हम काम कर चुके हैं, ये इसका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये इधर से माइनस होके आएगा राइट साइड से, इधर माइनस होके आएगा, माइनस log a माइनस log b क्या होता है, log a बाय b, तो वहां से क्या आ जाएगा pt माइनस pe बायो c, रख दिया मैंने डायरेक्ट, यहां से हटा दो इसको। अब दोनों तरफ देखो एक्सपोनेंशियल ले लो, यहां से क्या आएगा, pt माइनस pe बाय c इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस के टी, हो गया, c को यहां से हटा दो, सेम इनिशियली
दिस इम्प्लाइज आपकी फाइनल इक्वेशन क्या बनी, पी टी माइनस पी ऑफ ई इज इक्वल्स टू पी नॉर माइनस पी ऑफ ई ई टू द पावर माइनस के टी, ये आई आपकी फाइनल इक्वेशन, डन। अब जिस जिस आप टाइम को इन्फिनिटी टेंड कराओगे ना, ये चीज क्या हो जाएगी, जो उस ऑब्जेक्ट का उस कमोडिटी का जो प्राइस था वो इक्विलिब्रियम प्राइस को टेंड कर जाएगा। देखो कैसे टेंड कर रहा है, मैं यहाँ थोड़ा सा इरेज कर दे रही हूँ यहाँ पे। आप क्या जानते हो e टू द पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है, और e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, वन बाय e टू द पावर इन्फिनिटी, e टू द पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी इसको जीरो बोलते हो। तो जैसे ही मैं t को इन्फिनिटी टेंड कराऊंगी, यहाँ पे देखो e टू द पावर माइनस के टी है, तो यहाँ पे जब मैं t को इन्फिनिटी टेंड कराऊंगी, माइनस के इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से किसी फाइनाइट चीज को मल्टीप्लाई करोगे इन्फिनिटी ही रहेगा, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, ऊपर देखो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी कहाँ जा रही है, जीरो पे, यही जीरो पे। जैसे ही ये चीज जीरो पे गई, राइट साइड जीरो, राइट साइड जीरो होते ही यहाँ से पी ऑफ टी किस पे चला जाएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस पे चला जाएगा। यही था आपका ये मॉडल। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।